हेलो पेरेंट्स, आज मैं आपको प्रोनाउन के बारे में बताऊंगी। बच्चों को आप किस तरीके से प्रोनाउन की डेफिनेशन और प्रोनाउन के वर्ड्स लर्न करा सकते हैं। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन। अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन टू इंडिकेट someone or something is called pronoun। जो हम noun की जगह पर जो words use किए जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? pronoun बोलते हैं। For example, I, we, you, he, she, it, they। तो ये words ऐसे हैं जो हम noun की जगह पर लगाते हैं। बच्चों को pronoun की definition learn कराने के लिए मैंने एक chart बनाया है, जिसकी हेल्प से बच्चा आसानी से कॉन्सेप्ट क्लियर भी करेगा और डेफिनेशन भी लर्न करेगा। जैसे कि नाउन की डेफिनेशन बच्चे पहले पढ़ चुके होंगे, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग। तो जैसे कि प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या कहती है कि प्रोनाउन हम कहाँ पे लगा रहे हैं? नाउन की जगह पर लगा रहे हैं। तो ऐसे ही मैंने इस तरह से इसीलिए इसको एक्सप्लेन करने के लिए ऐसे बनाया है। अब प्रोनाउन के जो एग्जाम्पल्स होंगे वो यहाँ मैंने लिख दिए हैं, जैसे ही, शी, यू, वी, दे, हिज, हिम, हर, देयर, आवर, अस। प्लेस का इट, देयर, एनिमल का इट, इट्स, थिंग का इट, इट्स। तो ये कैटेगरीज तो बच्चा इजीली लर्न कर ही लेगा। क्लास फर्स्ट और सेकेंड में हम क्या करते हैं कि कुछ एग्जाम्पल्स मतलब पर्सन के इस तरीके से उनको समझा देते हैं। स्टार्टिंग में बच्चे को ज़्यादा डीपली नहीं बताया जाता है, तो इसलिए आप उनको सिर्फ वर्ड्स का बताइए कि किस तरीके से कौन से वर्ड कैसे यूज़ होंगे, और इसकी हेल्प से बच्चा आसानी से समझ जाएगा। और जब बच्चे को वर्ड्स सारे आइडेंटिफाई हो जाएं, प्रोनाउन और नाउन में डिफरेंस पता चल जाए, उसके बाद आप प्रोनाउन के कुछ सेंटेंसेस उसको करने के लिए दीजिए। बच्चों को ये समझाने के लिए कि प्रोनाउन और नाउन में क्या डिफरेंस है, इसके लिए पहले आप बच्चों को रीड कराइए सेंटेंसेस। जैसे यहाँ पे मैंने दो सेंटेंस बनाए हैं। राहुल इज वेरी हैप्पी, ही गॉट वेरी गुड मार्क्स इन एग्जाम। तो यहाँ पे राहुल क्या है? नाउन है। तो राहुल इज वेरी हैप्पी, तो राहुल खुश है और राहुल के बारे में ही आगे बताया जा रहा है। तो राहुल की जगह पर अब मैंने दूसरे सेंटेंस में क्या लगाया है? ही लगाया है। तो ही गॉट वेरी गुड मार्क्स इन एग्जाम। तो यहाँ पर ही जो है वो हमारा क्या है? प्रोनाउन है, इसलिए हमने ये लगाया है। तो आप बच्चों को इस तरीके के एग्जाम्पल देकर एक्सप्लेन कर सकते हैं। सीता हैज ए मोबाइल फोन, इट इज वेरी फाइन। यहाँ पे सीता नाउन है और मोबाइल फोन भी नाउन है, क्योंकि ये थिंग है। अब इस मोबाइल फोन के बारे में ही आगे बात चल रही है, इट इज वेरी फाइन। तो आप इस तरीके से समझाइए कि जो नाउन हम पहले सेंटेंस में यूज करते हैं, उसी सेंटेंस के उसी नाउन वर्ड्स को जब हम आगे दूसरा सेंटेंस बनाते हैं, तो उसके लिए हम बार बार उसका नाम ना लिख कर हम प्रोनाउन वर्ड्स का यूज करते हैं। तो यही होता है आपका प्रोनाउन। उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, यहाँ पे सेंटेंसेस, कंप्लीट द सेंटेंसेस। दिस इज अ रोज, यह एक रोज है। अब यहाँ पर उसके बारे में बताना है कि वो कैसा है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? प्रोनाउन बनाना है, तो रोज हमारा थिंग होता है, तो हम यहाँ पर इट लगाएंगे। इट इज रेड इन कलर। उसके बाद दिस इज ए गर्ल, गर्ल नाउन है। अब यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? गर्ल के लिए हम शी लगाएंगे। उसके बाद राजन हैज ए बॉल, राजन बॉय है, डैश हिट्स द बॉल, यानी ही हिट्स द बॉल। दिस इज ए ट्री, ट्री थिंग है, डैश इज ग्रीन इन कलर। यहाँ पे ट्री के बारे में बताया जा रहा है, तो इट इज ग्रीन इन कलर। दिस इज जैम, जैम भी एक थिंग है, यहाँ पे इट इज वेरी टेस्टी। उसके बाद मैंने यहाँ पर पजल्स बनाया है। यहाँ पर बच्चों को इस तरीके से कुछ पजल बना कर दीजिए, और इसमें आपने प्रोनाउंस
को ही लिखना है जो प्रनाउन के जो वर्ड्स होते हैं और उनको बच्चा सर्च करेगा और नीचे मेंशन कर दीजिए कि कौन कौन से प्रनाउन उसको ढूंढने हैं। जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, जैसे मी है तो मी वो सर्च करेगा, तो पहले मी ढूंढेगा कि कहाँ पर है। जैसे मी यहाँ पर है, तो इस तरीके से पजल बना देगा। उसके बाद ही सर्च करेगा, तो ही कहाँ पर है, ही मिल जाएगा उसको। फिर शी सर्च करेगा, शी, दे सर्च करेगा, दे मुझे भी ढूंढने में टाइम लगा, दे। उसके बाद देन फिर इट यू यू देन वी सर्च करेगा, then your, तो इस तरह की एक्टिविटी आपके बहुत काम आने वाली है। बच्चे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट के साथ करते हैं ऐसी एक्टिविटी को, और अगर आप इस तरीके की एक्टिविटी कराएंगे तो बच्चा इंटरेस्ट के साथ भी करेगा। नेक्स्ट टॉपिक है रिप्लेस द कलर्ड वर्ड्स विद प्रोनाउंस। यहाँ पे मैंने कुछ सेंटेंस बनाए हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, जो कलर्ड वर्ड है यानी बच्चों को आइडेंटिफाई कराना है, पहले बताना है उसको कि कौन से वर्ड को उसे प्रोनाउन में कन्वर्ट करना है, क्योंकि स्टार्टिंग में वो ऐसे ही कर पाएगा। तो यहाँ पर जैसे लिखा है रवि हैज अ पेन एंड रवि राइट्स अ लेटर, तो एंड रवि को हमें क्या करना है, प्रोनाउन में चेंज करना है। तो रवि हैज अ पेन, तो ये तो सेम आ जाएगा सेंटेंस, रवि has a pen, he writes a letter, क्योंकि रवि क्या है, बॉय है, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, he लगाएंगे। उसके बाद आता है सीता wanted to read a book, so the सीता went to library room। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सीता वॉन्टेड टू रीड ए बुक, सीता को बुक रीड करनी है, सो द सीता वेंट टू लाइब्रेरी बुक लाइब्रेरी रूम। तो यहाँ पे द सीता की जगह पर क्या आएगा, सीता गर्ल है तो उसकी जगह पर हम शी लगाएंगे। सीता वॉन्टेड टू रीड ए बुक, इस तरीके से आप बच्चों को सेंटेंस कनेक्ट करना सिखा सकते हैं। द मिरर फेल ऑन द फ्लोर एंड द मिरर ब्रोक, यहाँ पे दो बार मिरर की ही बात हो रही है, तो हम मिरर की जगह पर सेंटेंस को चेंज करेंगे और वर्ड भी चेंज कर देंगे प्रोनाउन लगाकर। द मिरर इस तरह से भी बच्चों को समझ में आता है कि हम प्रोनाउन का यूज क्यों करते हैं। उसके बाद जब बच्चों को आइडेंटिफाई हो जाएगा, प्रोनाउन के वर्ड्स उसे लर्न हो जाएंगे, तो आप उसको एक पैराग्राफ बनाकर दे सकते हैं जो डेली में मतलब याद भी करता हो, मिलता जुलता पैराग्राफ हो जिसमें वो आसानी से समझ सके। जैसे मैंने यहाँ पे माई सेल्फ के ऊपर ही बनाया है छोटा सा, तो हेलो माई नेम इज टीना, तो यहाँ पे डैश लिव इन न्यू दिल्ली, तो यहाँ पे वो अपने बारे में बता रही है, तो यहाँ पे क्या आएगा, आई लिव इन न्यू दिल्ली विद माई पेरेंट्स एंड टू एल्डर्स, माई फादर इज ए लॉयर, अब यहाँ पे फादर के बारे में बताया जा रहा है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, ही वर्क्स फॉर वेरी आर्ट्स, माई मदर इज अ टीचर,
अब यहाँ मदर के बारे में बताया जा रहा है, माई मदर इज अ टीचर एंड शी ऑल्सो वर्क्स हार्ड। देन अब यहाँ पे वो बता रहा है माई डैश हेल्प माई मदर इन द किचन, तो माई के लिए यहाँ पर क्या जाएगा, आई, आई हेल्प माई मदर इन द किचन डैश मेक माई ओन बेड, यहाँ पर क्या जाएगा, आई, आई मेक माई ओन बेड। उसके बाद फिर से आई लव माई पेरेंट्स, आई लव माई पेरेंट्स वेरी मच। तो आप इस तरह से पैराग्राफ दीजिए तो उसमें भी बच्चों को प्रोनाउंस फिल करना आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है सर्कल द प्रोनाउंस एंड कलर ऑन हट। यहाँ पे मैंने क्या किया है, मिक्स वर्ड्स लिख दिए हैं, यहाँ पे नाउन और प्रोनाउन दोनों मिलेंगे, बट बच्चे को सिर्फ प्रोनाउन पर ही सर्कल करना है और जब कंप्लीट हो जाएगा ये एक्टिविटी हो जाएगी तो उसके बाद आप इस हट को कलर करने के लिए भी दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे टू प्रोनाउन नहीं है, रवि नाउन है, द ही इज प्रोनाउन, शी आवर्स वर्क्स गीता नाउन है, देम योर हिज ही देयर आवर आई दे शी यू वी, यहाँ पे भी आई यू। इस तरीके से जब बच्चा सारे वर्ड्स को सर्च कर लेगा पूरी एक्टिविटी ये कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद बच्चे को हट में कलर करने के लिए दीजिए। जब बच्चा कलर करेगा तो उसको थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग लगेगा। जैसे मैंने यहाँ पे इसमें कलर करना स्टार्ट किया, जैसे प्रोनाउंस को ही कलर कर दिया पहले, आप किसी भी तरीके से उसको करा सकते हैं, तो इस तरीके से बच्चे को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है एक्टिविटी। तरीके से कर दीजिए और उसके बाद फिर उसमें वो पूरी हट में कलर कर देगा। तो देखा आपने कलर करने के बाद हट कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। तो इस तरह की एक्टिविटी करने के बाद बच्चे एक तो प्रोनाउन के वर्ड्स भी सीख जाएंगे और इंटरेस्ट के साथ भी करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।